Hey there guys, I'm Umesh Devgani and you're watching Mix Up The Cut. तो गाइस टाइम हो रहा है सुबह के 2:53 AM। अभी हम तीन जने जा रहे हैं कोसीकला कोकिलावन, वहाँ पे शनिधाम का मंदिर है। तो चलो भाई चलते हैं। कहाँ पे? कोकिलावन। तो भाई आज हम जा किसके साथ रहे हैं? मारवा ध्रुव गुप्ता, हेलो कर दे भाई, हेलो कर दे, हेलो। और साथ में रमन, ये नया मेंबर है, रमन सिंह। इसकी भी स्टोरी है, कभी और सुनाई जाएगी। तो भाई CNG बना लिया हमने, बिल्कुल करा लिया टॉप। अब जा रहे हैं कोकिलावन, तुम्हारा भाई ध्रुव गुप्ता, साथ में रमन शर्मा। चांद देखो तुम लोग। यहाँ पे पिट स्टॉप मारेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, मैगी वगैरह खाएंगे जाने से पहले। ठीक है भाई, कर दे। चाय आ चुकी है हमारी। हाँ भाई, हाँ क्या कह रहा है? पकड़ 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 भाई, ऐसी जानवर है। चुके हैं शनिदेव मंदिर, शनिधाम, कोकिलावन, कोसीकला। यहाँ से कहाँ जाना भाई? सीधा। ये है मंदिर भाई। परिक्रमा करोगे? परिक्रमा करेंगे भाई, परिक्रमा के लिए परली साइड चलते हैं। और गाइस यहाँ पे एक कुंड है, ये सिर्फ अंदर का सीन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिखाया था कि तुम्हारा जी खराब ना हो जाए। ऐसे मोटे मोटे नंगे नंगे देखोगे, बस फायदा कुछ नहीं उस बात का। यहाँ पे कुंड भी है। यहाँ से गाइस तेल वगैरह ले सकते हो। बंदरों से सावधान रहना, जब भी आओगे बंदर लूटपाट मचाते हैं यहाँ पे। इस जगह पे लोग अपनी पूजा वगैरह कराया करते हैं, जो मन्नत वगैरह मन्नत मांग रखी होती है उसी हिसाब से। यहाँ से एंट्री है गाइस, मेन एंट्री। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. गाइस पहले एक ना पीपल का पेड़ हुआ कर रहा था, खूब बड़ा जी वाला। तो गाइस दर्शन कर लिए हमने शनिदेव भगवान के मंदिर के। भाई कैसा लगा तेरा? हाँ भाई, आप अपने रिव्यू सुनाइए। बढ़िया एक्सपीरियंस था। वैसे ये फर्स्ट टाइम आया यहाँ पे, मैं और ध्रुव तो कई बार आ लिए। क्या
कई राउंड हो गए कई बारी। हमने तो एक बार ये भी कहा था कि 7 बारी करेंगे सैटरडे, वो तो नहीं हो पाया, पर ये हमारा 7 बारी तो हो चुका है ना। बड़ी मुश्किल होता है, मतलब ऐसा कहा भी जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो तुम 5 बार भी, कई लोग सोचते हैं कि हम कर लेंगे पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। रमन भाई का हमारा फर्स्ट टाइम है, हो सकता है क्योंकि कई लोग क्योंकि जब हम 7 बारी आने का हमने कोशिश करी है ना, उसमें कई नए नए लोग हमारे साथ आए हैं, विचित्र प्राणी जिन्होंने तुम्हें जिनको तुमने पुराने व्लॉग्स में देखा भी है, शुभम नाम का प्राणी, राहुल नाम का प्राणी, दो भी आए बस। हाँ एक बार हम दोनों भी आए थे, अब करने लगे परिक्रमा। परिक्रमा इसकी कही जाती है कि 3 से 3.5-4 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा है, तो अब यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है इस बोर्ड से। तेरे क्या लग गया? सांप कहाँ? सांप था अभी। ये कहाँ पे मेरे को दिखा? मछली है यहाँ पे, लोग खाना फेंक रहे हैं, लोगों को लगा यहाँ पे सांप है, पर यहाँ पे तो अरे क्या है ये भाई? ईल है शायद, क्या चीज़ है भाई ये? अच्छा ये सारा मार्शी एरिया, दलदल वाला एरिया है ये सारा। यहाँ से लोग काले घोड़े की नाल भी खरीदते हैं। काले घोड़े की नाल की मान्यता ये है कि भाई घर पे जादू टूना टावन काम नहीं करते, ये सारी चीजें होती हैं बढ़िया। तो फिर यहाँ पे होती है परिक्रमा हमारी पूरी। तो भाई अभी हम कोसीकला से बाहर आए हैं, चंडीदेव मंदिर से दर्शन करके 3 किलोमीटर की परिक्रमा होती है वो पूरी करी। भाई साहब कोसीकला के शनिदेव मंदिर की मान्यता क्यों है सबको पता है भाई, शनि सिग्नापुर में जो शनिदेव मंदिर है उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो अब इसकी मान्यता क्यों मानी जाती है, तो आपको सबको पता है कि शनि सिग्नापुर में जो शनिदेव का मंदिर है वो बहुत ज़्यादा, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। अब इसकी मान्यता क्यों है? इसकी मान्यता इसलिए है कि जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान मथुरा में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर आए थे, तो उस टाइम पे सब देवी देवता आए थे कृष्ण भगवान के दर्शन करने। तो उस टाइम हुआ क्या कि जब शनिदेव आए ना, तो शनिदेव को नंद बाबा और यशोदा मैया ने अंदर नहीं आने दिया। उसका रीज़न क्या कि शनिदेव, सबको पता है शनिदेव के अगर वक्र दृष्टि पड़ जाए तो राजा रंक बन जाता है एक सेकेंड में। तो उस चक्रों में शनिदेव को अंदर नहीं आने दिया था, तो शनिदेव भगवान ने क्या करा कि इस जंगल में कोकिला वन में आके द्वापर युग में भक्ति करी कृष्ण भगवान की। तो कृष्ण भगवान ने इसी जंगल में कोकिला वन में कोयल का रूप लेके शनिदेव भगवान को दर्शन दिए थे। तो भाई अब थोड़ा बहुत घूमने को जब मिलता है तो तुम अपनी हिस्ट्री के बारे में, भाई हिस्ट्री है हमारी 5,000 साल पुरानी बात है, तो हमारी हिस्ट्री लोग माइथोलॉजी कहते हैं इसको, एपिक ही कहना चाहिए ना। क्यों भाई पहले और शनिदेव भगवान के इष्ट देव कृष्ण भगवान है, तो उसी लिए कृष्ण भगवान के दर्शन करने वो भी आए थे सभी देवता और देवी देवताओं के साथ। और वाकई में फिर से वही बात रिपीट करता हूँ जो पहले करी थी पिछले व्लॉग में कि द्वापर युग की बात है, 5,000 साल पुरानी बात है, हो सकता है कि भाई इन्फॉर्मेशन आते 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 गलत हो गई हो, तो अगर गलत है तो भी कमेंट सेक्शन में सही कर दो हमें, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पे रुके हैं, रोटी पाड़ेंगे अभी घर उठना जाएंगे, अभी तो राहुल के पास जा रहे हैं। मैं बताओ दाल तड़का, दाल पकाओ, मैं मंगाऊंगा आलू प्याज पराठा। गुलशन भैया के हम रुके ही नहीं, रीजन रोटी नहीं है इनपे ले ले यार, बस खाना थोड़ा भाई दे देसी टाइप में चाहिए बस थोड़ा सा खाना, जैसे तू जा रहा है ना वैसे मैं जा रहा हूँ पहली बार। ये तो दूर से पिटाव लग रहा था,
देखे भाई वरने यहाँ से पूछ लेंगे तो सही में। चलो भैया मिलान चले, इटली पहुंच लिए हम। एट आर ढाबा अटेम्प्ट टू। देखो भैया सेकंड अटेम्प्ट पास होता है नहीं होता। गंड मरो कर, मेरे को भुगतना पड़ रहा। ये वाले ढाबे पे मिनट के इनके चूतड़ कह रहे तंदूर रोटी नहीं खानी, इन्हीं परोठा खाने सुबह सुबह। तवा रोटी चाहिए मुझे दोनों करके। रोटी चाहिए। हम तो बहुत शौक से आए थे भाई, इतना बढ़िया ढाबा है। पता लगाओ परले पे भी नहीं मिला, फिर सीधा घर लगाओ गाड़ी में, फिर भाई अगले वाले में। अब इनकी शाही तीसरी जगह पे आई है। कहाँ आया ये? मान सिंह ढाबा। देखो भाई यहाँ, देखे भाई यहाँ क्या मिलता है। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही? रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ के ढाबे ब्लैंक क्यों पड़े हैं सारे के सारे? तीसरा भी रिजेक्ट हो गया, गरीब भाई। अब चौथा ढाबा ट्राई करने जा रहे हैं शाही के पंडित जी ढाबा। देखो भाई क्या मिलता है यहाँ पे, इनको रोटी मिलती है इनकी नहीं मिलती। चौथा ढाबा हो गया रिजेक्ट, अब जा रहा है पांचवें पे। क्या चल रहा है ये मैच मेकिंग सी? तो अभी पांचवी जगह पे मानने हैं, यहाँ पे इनको रोटी मिलेगी, चलेंगे बैठ के। अब ये बैठो बैठो भाई, देखते हैं भाई आगे, अपडेट देता हूँ फिर से कुछ देर में। फाइनली सौदा आया। अभी खुश है हैं? पांचवा ढाबा चैन आया तो फोन माज नहीं आते इसके। फाइनली रोटी पानी होने के बाद आफ्टर देख लो, मजे आए। अब हम जा रहे हैं मानव डेंटल कॉलेज, रीजन एक मित्र को उठाने। मित्र नहीं, थानेदार। हाँ थानेदार को उठाने जा रहे हैं हम तो। थानेदार, थानेदार कौन है ये देखो भाई। तो गाइस जैसे कि कहा था कि हम मानव रचना कॉलेज जा रहे हैं एक मित्र को उठाने, ये रहा। हेलो डॉक्टर साहब। अरे बैच पूछ लगा रखा तुमने? अरे डॉक्टर राहुल भारद्वाज, अरे डॉक्टर राहुल भारद्वाज। बैठ ले बैठ। तो भाई अब जाएं घर। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, ब्लॉग करते हैं एंड। राम राम भाई। आपके सूझ रखे रे मेरी तो भाई बद। अच्छा बुलबुल से बन रखे नीचे। नज उतरने की बत्ती क्या होता है? ये पीछे बोले यहाँ बता रही हो, साढ़े भोट दो ना।